Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max Hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. देखियो, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग अभी एक क्वेश्चन आया है हमारे एक दर्शक. उनका कहना है कि उनकी शादी हो गई है, उनको एक बर्थ मार्क है, और जिसके कारण कि उनके पति उनको प्यार नहीं करते हैं, और क्या इसका कुछ उपाय संभव है कि नहीं है. और उन्होंने एक रोते हुए हमें इमोजी भी भेजी है जो आप शायद देख सकते हैं स्क्रीन शॉट पर. तो देखिए, बर्थ मार्क जो होता है दो तरह का होता है, या तो यूजली काले या लाल रंग के होते हैं, बर्थ मार्क्स होते हैं. और इनके कारण अगर आपकी शादी के बाद समस्या आ रही है तो इसमें कुछ इसमें बुरा ना माने, कुछ हद तक हमारा भी दोष होता है. देखिए, हमारा दोष क्या है? हमारा दोष यह है कि शादी से पहले अगर हम इसका इलाज करा लेते और फिर हम जाते तो शायद आपके पति आपको और ज़्यादा प्यार करते, अच्छी तरह से देखभाल करते. हो सकता है कि आपने शायद अपना चेहरा उस टाइम छुपाया हो या कैमोफ्लेज किया हो किसी तरह से. क्यों, मेरे साथ ऐसे एक दो केसेस हुए, मैंने देखा है. जब मैंने नई नई पिगमेंटेशन की लेज़र ली, तो मैंने शायद बताया था आपको पहले वीडियो में जिक्र किया कि एक तो बच्ची थी 31 साल की थी, बड़ी सुंदर लड़की थी, और उसका डिवोर्स हो गया था बिकॉज ऑफ दिस बर्थ मार्क. और जब हमने ठीक किया, एक साल लगा था टाइम लेके, उसके 95% जो ब्लैक बर्थ मार्क था, नीवोसा होटा, वो करेक्ट हो गया था. लेकिन तब तक डिवोर्स हो चुका था, एंड नाउ शी डिडंट वांट टू गेट मैरिड, एंड शी सेड कि डॉक्टर आई केम बिट लेट टू यू. और उस टाइम मैंने कहा था, शायद वीडियो पे भी आप अगर आपने देखा होगा, मैंने कहा था कि आप सही टाइम पे आए, लेकिन हम क्या करें, तो उस टाइम मशीनें अवेलेबल नहीं थी, इस तरह की लेज़र टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी. ये तो एक केस. एक केस और था, शायद आपको यकीन ना, एक कुंवारी लड़की थी हमारे पास, आई थी पंजाब से बेचारी, बड़ी अच्छी किसी टीचर की बेटी थी, और उसको ब्लैक बर्थ मार्क था, न्यूसा बोटा. और मैंने उसको कहा था कि बेटा ये ठीक हो जाएगा, लेकिन इसको टाइम लग जाएगा, हम एक्सपेक्ट करते हैं 90-95% उसको ठीक करने का. लेकिन उसको शादी की जल्दी थी, और उसने शायद अपने बालों को जुल्फों से छुपा के चेहरे को भी छुपाया उसने, और उसकी शादी हो गई. लेकिन जब वो ससुराल गई तो उसका तब उसका जो चेहरा था वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया, और ये सही बात है, फिर दुर्भाग्यवश उसका तलाक हो गया, और इसी सदमे में उनके पिताजी का भी देहांत हो गया. बाद में मेरे पास आई थी रोते हुए, तो मैंने तब उससे यही कहा था कि बच्चे, हम आपसे कह रहे थे कि पहले आप इलाज कराएं फिर शादी के लिए जाएं, और अगर आप शादी कर भी रहे हैं तो आपको पहले अपने पति को या ससुराल वालों को बता देना चाहिए कि मेरे में ये कमी है और मैं इसका इलाज करवा रही हूँ या करवाना चाहती हूँ लेज़र के द्वारा, या मैं दिल्ली जाके कराऊंगी. अगर आप ईमानदारी से बात करते तो शायद आपका जीवन इस तरह से दुखी ना होता. खैर, वो तो हो गई एक चीज़. यही बात मैं आपके लिए भी कहना चाहूँगा कि अगर आपके पति आपको प्यार नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि शायद शायद शादी के समय आपने भी अपना चेहरा छुपाया होगा, और जिसके बारे में उनको शायद पता नहीं था, नहीं तो उनके व्यवहार में ये परिवर्तन नहीं आता. लेकिन फिर भी देखिए, मैं समझ कहता हूँ कि देर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. हमेशा हमें एक आशा की किरण हमारे उसमें रहनी चाहिए, हमें हमेशा उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, और ईश्वर में पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए. अब आजकल क्या है, बर्थ मार्क का इलाज संभव है. अगर आप देखते हैं लहसुनिया दाग जो लाल बर्थ मार्क होते हैं, तो आप यू कैन एक्सपेक्ट से 60-80% इम्प्रूवमेंट इन दैट, वो उतने हल्के पड़ जाते हैं. और जहाँ तक सवाल है आपके ब्लैक बर्थ मार्क या नीवोसा होटा का, तो नीवोसा होटा में 90-95% इम्प्रूवमेंट हो जाता है. तो इट्स क्वाइट ए लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट. तो आप हिम्मत नहीं हारिए, मेरा यही आपको कहना, हिम्मत नहीं हारिए, अपने पति को कॉन्फिडेंस में लीजिए, और फिर आप हमसे संपर्क करें. हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमने इस तरह के बहुत से केसेस किए बर्थ मार्क के, काफ़ी हमारा एक्सपीरियंस है पिछले 30-24 साल से इन चीज़ों का. तो मैं ये कहता हूँ, क्योंकि कॉस्मेटिक से जो मैं 30 से ज़्यादा सालों से कर रहा हूँ, लेकिन लेज़र में मैं 99 से गया था, तो 24-25 साल का हमारा एक्सपीरियंस है. अब हिम्मत नहीं हारिए, पहली चीज़ है, और अपने पति को कॉन्फिडेंस में लीजिए, विश्वास में लीजिए, और आप इलाज के लिए आइए. बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि ईश्वर हम सबकी मदद करेंगे, सबकी मदद करते हैं, आपकी मदद ज़रूर करेंगे वो. यही मैं आपको राय देना चाहूँगा, और इस राय के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है, कोई शंका है जिसका आप समाधान चाहती हैं, तो आपका स्वागत है.
आप हमारी टीम से संपर्क करें, हमेशा की तरह हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।